जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत छोटे जेट्स को भारत में स्थानीय तौर पर बनाने पर कर रहा है विचार। पाकिस्तान के साथ लगे सीमा पर तैनात स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम की परफॉर्मेंस से इंडियन आर्मी है पूरी तरह से सेटिस्फाइड। रक्षा मंत्रालय ने आर्मी के लिए 200 लॉजिस्टिक ड्रोन की खरीद के लिए जारी करी RFP। और गलवान वैली के पास इंडियन आर्मी का क्रिकेट कॉम्पिटिशन। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक छोटे जेट्स को भारत में स्थानीय तौर पर बनाने के लिए भारत ब्राजीलियन फर्म एम्ब्रियर और रशिया की सुखोई जैसी ग्लोबल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनरशिप करने पर विचार कर रहा है। और इस पार्टनरशिप में इंडियन कंपनी के साथ भारत सरकार के पास 51% तक के शेयर रहेंगे और साथ ही जो फॉरेन पार्टनर होगा तो उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी कहा जाएगा। हालांकि ये जो योजना है ये फिलहाल अभी अपने शुरुआती चरण में ही है, लेकिन इसके तहत जिन छोटे साइज के जेट्स को भारत में बनाने की योजना बनाई जा रही है तो उसमें 100 से कम सीट्स रहेंगी और इनका प्रोडक्शन मुख्य रूप से गुजरात में ही हो सकता है। और एयरबस के अनुमान के मुताबिक 2040 तक भारत को कम से कम 2210 एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जिनमें से 80% छोटे साइज के जेट्स होंगे। और ये छोटे साइज के जो एयरक्राफ्ट हैं तो ये छोटे शहर और दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने में अपना योगदान देंगे। इसके अलावा रशियन न्यूज एजेंसी TASS की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट यानी कि MAI तो इनके साइंटिस्ट की एक टीम भारत से कुछ स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर फिक्स विंग रोबोटिक एरियल प्लेटफॉर्म को विकसित करने पर काम कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा रेड प्लैनेट यानी कि मंगल ग्रह के वातावरण और उसके सरफेस को स्टडी करने के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म का जो टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर है वो लेट 2024 यानी कि अगले साल के अंत तक टेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। और इस प्रोग्राम में भारत की तरफ से IIT खड़गपुर से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स स्पेशलिस्ट शामिल हैं। और चूंकि इसे मंगल ग्रह को स्टडी करने के लिए बनाया जा रहा है तो इसलिए इसका नाम रखा गया है मार्सोप्लेन। और इस पर जो कार्य है वो अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था और ये एक तरह का फिक्स विंग UAV है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी के लिए 200 लॉजिस्टिक ड्रोन्स की खरीद के लिए RFP को जारी किया है। RFP के मुताबिक इन 200 ड्रोन्स में से 100 लाइट वेट होंगे और बाकी के 100 हैवी वेट। और इन ड्रोन्स को फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के माध्यम से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत लिया जाएगा और वो भी बाय इंडियन कैटेगरी से। इनकी जो रेंज है वो 10 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 15 से 20 किलोग्राम तक की पेलोड वेट कैपेसिटी, -20°C से 45°C तक के टेम्परेचर में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी, फुली ऑटोनॉमस मोड, मैनुअल मोड, रिटर्न टू होम मोड, तो इस तरह के अलग अलग फ्लाइट मोड्स भी इसमें होने चाहिए। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जारी की गई है और जिसके मुताबिक लगभग 3 महीना पहले इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जम्मू और पंजाब में पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं पर करीब 30 स्पूफर्स और जैमर सिस्टम्स को डिप्लॉय किया था। और ये जो एंटी ड्रोन स्पूफर्स और जैमर सिस्टम्स हैं ये स्वदेशी तौर पर ही विकसित किए गए हैं। और ऑफिशियल्स के मुताबिक लगभग 3 महीनों तक इस्तेमाल करने के बाद आर्मी इन सिस्टम के काम करने के तरीके से पूरी तरह से संतुष्ट है, क्योंकि ये सिस्टम बहुत प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं और इनकी मदद से सीमा पार से भारत की तरफ घुसपैठ करने वाले UAVs को प्रिवेंट किया गया है। और ये सिस्टम्स करीब 10 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी से दुश्मन ड्रोन्स को आसानी से अटैक कर सकते हैं। और ऑफिशियल्स के मुताबिक अब इंडियन आर्मी इस तरह के और भी अधिक एंटी ड्रोन सिस्टम्स के अलावा आर्म्ड ड्रोन्स को खरीदने की योजना भी बना रही है। आज इंडियन नेवी ने अंडरवाटर रॉकेट RGB-60 के लिए भारत में पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर बनाए गए फ्यूज YDB-60 को रिसीव किया है। और ऐसा पहली बार है जब भारत की किसी प्राइवेट इंडस्ट्री ने इस रॉकेट RGB-60 के लिए पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए इस फ्यूज को मैन्युफैक्चर किया है। और इस प्राइवेट इंडस्ट्री का नाम है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। और पहली बार इस अंडरवाटर एम्युनिशन फ्यूज के लिए इंडियन नेवी ने किसी इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री को सप्लाई ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि RGB-60 एक अंडरवाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट है जो कि नेवी की मेजर वॉरशिप्स में इस्तेमाल होता है। और ये एक रशियन ओरिजिन का वेपन है जिसकी स्ट्राइकिंग रेंज 1500 मीटर तक है। इसके अलावा आज 3 मार्च को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसराइल के न्यूली अपॉइंटेड रक्षा मंत्री मिस्टर योवेव गैलेंट के साथ एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी थी। और इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत डिफेंस इक्विपमेंट के स्वदेशीकरण और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है। और साथ ही साथ इजरायली इंडस्ट्रीज की जो इंडियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स हैं तो इस कॉपरेशन को भी एक्नॉलेज किया गया है। और आगे भी दोनों देश डिफेंस सेक्टर में अपने कॉपरेशन को बढ़ाना जारी रखेंगे। और जबकि टॉप मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने मिलिट्री हार्डवेयर को संयुक्त रूप से विकसित करने जैसी कई मुख्य परियोजनाओं को भी डिस्कस किया है। और दोनों पक्ष महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं को प्रमोट भी करेंगे। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए भारत ने 3 से 14 मार्च तक के लिए बे ऑफ बंगाल पर एरिया वार्निंग जारी करी है। और इस बात की संभावना है कि इस दौरान एक नहीं बल्कि मल्टीपल टेस्ट हो सकते हैं। आज दिल्ली में क्वाड ग्रुप के विदेश मंत्रियों की भी खास मीटिंग कंडक्ट की गई थी जिसमें चारों देश यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया
और इस मीटिंग के दौरान क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों ने एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के लिए अपनी कमिटमेंट को दोहराया और साथ में ये भी कहा कि वे कानून के शासन, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पुरजोर समर्थन करते हैं। और क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्री की इस स्टेटमेंट को एक तरह से चीन के लिए संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। और इसके अलावा काउंटर टेररिज्म पर एक क्वाड वर्किंग ग्रुप को स्थापित करने की अनाउंसमेंट भी की गई है। और वैसे आपको बता दें कि जापान के जो विदेश मंत्री हैं वो G20 की मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे, बल्कि उनके बदले डेप्यूटी आए थे, लेकिन मुख्य रूप से क्वाड ग्रुप की मीटिंग को अटेंड करने के लिए जापान के विदेश मंत्री खुद भारत पहुंचे हैं। इसके अलावा क्वाड के विदेश मंत्री ने यूक्रेन में शांति बहाल करने का भी आग्रह किया। इस बात पर भी सहमति जताई कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल या इस्तेमाल करने की धमकी ये अस्वीकार्य है। और जबकि आज रायसीना डायलॉग 2023 को संबोधित करते हुए रशिया के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि रशिया चाहता है कि चीन और भारत के बीच दोस्ती हो, रशिया के इन दोनों ही देशों के साथ एक अच्छे संबंध हैं और रशिया भारत चीन की दोस्ती को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान रशिया के विदेश मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस साल रूस, भारत और चीन के बीच एक ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग आयोजित की जा सकती है। और जबकि आज इस डायलॉग के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने तीन बड़े इश्यूज को शेयर किया है और इन इश्यूज को लेकर भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि इन्हें पूरी दुनिया और क्वाड के द्वारा एड्रेस किए जाने की जरूरत है। और इन तीन बड़े इश्यूज में शामिल हैं मोर रिलायबल एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी एंड हाउ टू लिव अ मोर सिक्योर डिजिटल एग्जिस्टेंस एंड कनेक्टिविटी। बाकी US के विदेश मंत्री ये मानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने के लिए भारत अभी भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत या रशिया के साथ काफी लंबे समय से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और भारत रशिया से कुछ ऐसे तरीकों से जुड़ा है जो US के साथ नहीं है। और उनका ये भी कहना था कि भारत के पास एक जबरदस्त नैतिक स्पष्टता के साथ बोलने की क्षमता है और जैसे कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देखा है। और US को उम्मीद है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाने के लिए वे भारत के साथ करीब से काम करना जारी रखेंगे। और जबकि आज रायसीना डायलॉग के दौरान जब इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर रूस के विदेश मंत्री से सवाल किया गया तो उनका यही कहना था कि हर कोई पूछ रहा है कि रशिया कब बातचीत के लिए तैयार होगा और हर बार इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए रशिया से ही प्रश्न किया जा रहा है, लेकिन कोई भी यूक्रेन के राष्ट्रपति से क्यों नहीं पूछ रहा है कि वो कब बातचीत करने जा रहे हैं। पिछले साल यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए कि जब तक पुतिन मौजूद हैं तब तक रूस के साथ बातचीत करना एक अपराध है। उनका ये भी कहना था कि क्या किसी ने कभी अमेरिका या फिर नेटो से पूछा कि अफगानिस्तान, इराक यहाँ पर क्या हो रहा है। उनको याद नहीं जब 1999 में सर्बिया में बम गिराए गए थे तब राष्ट्रपति बाइडेन उस समय एक सीनेटर होने के नाते बता रहे थे कि मैंने इसको बढ़ावा दिया। अपने इंडियन काउंटर पार्ट के साथ बायलेटरल मीटिंग में चीन के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि भारत और चीन को द्विपक्षीय संबंधों में सीमा मुद्दे को उचित स्थान पर रखना चाहिए और अपनी सीमाओं पर स्थिति को सामान्य करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। और बाकी जैसा कि भारत की तरफ से कई बार कहा जा चुका है कि भारत और चीन के रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि सीमा क्षेत्र पर पूरी तरह से शांति स्थापित नहीं हो जाती है। बाकी चीन के विदेश मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि चीन विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ आदान प्रदान और सहयोग को फिर से शुरू करने, जल्द से जल्द डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू करने और लोगों से लोगों के आदान प्रदान की सुविधा के लिए भी तैयार है। बाकी आज दिल्ली में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की जो खास मीटिंग हुई है तो चीन की तरफ से क्वाड की इस मीटिंग की आलोचना की गई है, जिसमें उनका ये कहना था कि राज्य दर राज्य बातचीत को शांति और विकास के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और विशिष्टता के बजाय आपसी विश्वास और क्षेत्र स्थिरता में योगदान देना चाहिए। कमाल की बात यह कि विश्वास की बात भी चीन कर रहा है। बाकी एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि इंडियन आर्मी की त्रिशूल डिवीजन की पटियाला ब्रिगेड ने गलवान वैली के पास एक्सट्रीम हाई अल्टीट्यूड एरियाज पर एक क्रिकेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है। अब इसके आगे हम कुछ कहें या आप समझ गए, चलिए कह देते हैं। एक तरफ है चाइनीज आर्मी जिसकी थोड़ी सी चढ़ाई से सांसें फूल जाती हैं और एक तरफ इंडियन आर्मी जो इस एक्सट्रीम हाई अल्टीट्यूड एरिया पर सब जीरो टेम्परेचर में क्रिकेट खेल रही है। और एक क्रिकेट मैच देखकर हमें लगता है कि चाइनीज आर्मी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही होगा। और बाकी आपको बता दें कि चाइना डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $700 मिलियन पहुंचा दिए हैं और पाकिस्तान के वित्त मंत्री चीन की इस सहायता को एक लाइफलाइन की तरह ट्विटर पर डिस्क्राइब करते हुए दिखाई दिए। और बाकी चीन का ये लोन लाइफलाइन है या क्या है वो तो खैर आने वाले टाइम पे मालूम पड़ ही जाएगा, पर अब जहां तक है पाकिस्तान के पास थोड़ा पैसा आ गया है तो देखते हैं फिर अब कौन सी लग्जरी गाड़ी इंपोर्ट होती है। और हाँ, एक और अपडेट है जिसे पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खैर ने भारत का रेफरेंस देते हुए ये कहा है कि इस रीजन की लार्जेस्ट कंट्री को जो भारी मात्रा में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वेपन्स की सप्लाई हो रही है तो ये चिंता का विषय है और ये साउथ एशिया रीजन की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के अलावा पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब तक पाकिस्तान इस रीजन में है तो स्टेबिलिटी तो आप भूल ही जाओ कि यहाँ पे कभी आएगी। और बाकी भारत जो है अधिकतर प्लेटफॉर्म्स भारत में ही बनाने पर काम कर रहा है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ ले भी रहा है तो वो हम अपने पैसों का ले रहे हैं, हम कौन सा भीख मांग रहे हैं। हम कम से कम उन देशों में तो नहीं है जिनके पास पैसा तो है नहीं, लेकिन एग्जीबिशन में जाकर दूसरे देशों के टेक्नोलॉजीज को देखकर ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं इसमें इंटरेस्ट है, हम इसको खरीदेंगे। और रही बात पाकिस्तान के राष्ट्र सुरक्षा के खतरे की बात, तो पाकिस्तान के राष्ट्र सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। और खैर, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2010 में काबुल गेस्ट हाउस टेरर अटैक के दौरान मेजर नितेश रॉय ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत
शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2002 में जम्मू कश्मीर की राजौरी में ऑपरेशन रक्षक के दौरान सूबेदार सुरेंद्र सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कौन से वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।